आखिर क्यों हिंदू धर्म से अलग होना चाहते हैं लिंगायत? कर्नाटक के बीदर जिले में जुलाई माह में एक बड़ी जनसभा हुई थी। इस जनसभा में करीब 75,000 लोग खुद को हिंदू धर्म से अलग घोषित करने की मांग पर अड़े हुए थे। ये सभी लोग लिंगायत समाज से जुड़े हुए थे। इस समाज के कुछ रीति रिवाज हिंदू धर्म से अलग हैं। आइए जानते हैं कि कौन है लिंगायत समाज के लोग, क्या है इनकी परंपरा, मान्यता और मांग। समाज सुधारक बासवन्ना ने की थी स्थापना। लिंगायत समाज सबसे पहले हिंदू वैदिक धर्म का ही पालन करता था, लेकिन कुछ कुरीतियों को दूर करने के लिए, उनसे बचने के लिए लिंगायत संप्रदाय की स्थापना की गई। 12वीं सदी में समाज सुधारक बासवन्ना ने लिंगायत समाज की स्थापना की। उन्हें भगवान बासवेश्वरा भी कहा जाता है। बासवन्ना का कहना था कि लोगों को उनके जन्म के अनुसार नहीं, बल्कि उनके काम के आधार पर वर्गीकृत किया जाना चाहिए। लिंगायत समाज अब अपने धर्म को मान्यता दिए जाने पर मांग के लिए इसलिए एक वो आंदोलन कर रहा है। लिंगायत परंपरा में दफनाते हैं शव। लिंगायत परंपरा में निधन के बाद शव को दफनाया जाता है। दो तरह से दफनाया गया है परंपरा, एक बिठाकर, दूसरा लिटाकर। दोनों में से किस विधि से दफनाना है, इसका चयन परिवार करता है। लिंगायत परंपरा के में मृत्यु के बाद शव को नहलाकर बिठा दिया जाता है। शव को कपड़े या लकड़ी के सहारे बांध दिया जाता है। जब किसी बुजुर्ग लिंगायत का निधन होता है तो उसे सजा सजा धजा कर कुर्सी पर बैठाया जाता है, फिर उसे कंधे पर उठाया जाता है। इसे विमाना बंधना कहते हैं। कई जगह लिंगायतों के अलग अलग कब्रिस्तान भी है। मूर्ति पूजा का विरोध। लिंगायत के संस्थापक बासवन्ना ने वेदों को खारिज कर दिया। वे मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। लिंगायत समुदाय भगवान शिव की पूजा नहीं करते, लेकिन अपने शरीर पर ईष्ट लिंग धारण करते हैं। ये अंडे के आकार का गेंद नुमा आकृति होती है, जिसे वे धागे से लगाकर अपने शरीर पर बांधते हैं। लिंगायत इस ईष्ट लिंग को आंतरिक चेतना का प्रतीक मानते हैं। लिंगायत समाज में अंतर जातीय विवाह को मान्यता नहीं दी गई है। धन्यवाद।